अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोग के रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सो चले जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो मैंने कल रात से स्टार्ट किया था, मतलब कि इफ्तारी के बाद से। तो इफ्तारी के बाद जो है सबसे पहला काम होता है वो है चाय बनाना। और चाय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो लोग मेरी तरह के चाय अडिक्ट या कॉफ़ी अडिक्ट हैं उनको पता होगा कि यार हमारे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो हमें तो इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय चाहिए। बस हमारा भी कुछ, तो हम लोगों ने, मैंने और अम्मा ने क्या किया, हम लोगों ने ना तकरीबन इस तरीके से डिसाइड किया कि एक दिन मैं चाय बनाऊँ और एक दिन चाय बनाएंगे, क्योंकि इफ्तारी के बाद सस्ती होती है कि किसी का बदल नहीं जा रहा होता है उनके किचन में जाके चाय बनाने का। तो हमने ये किया हुआ है। तो ये देखिए मेरा क्यूट सा कप जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, और अब मैं ये कप यूज़ करने वाली हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि बस मुझे ये पसंद है। और मेरे साथ ये मसला है, जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना, फिर मैं उसको जब तक वो चल सकती है उसको चलाती हूँ। अच्छा, उसके साथ मैंने डोनट खाया, और फिर यहाँ पे जो है ना रोज़मेरी वाटर को मैंने अच्छे से स्ट्रेन किया और इसको मैंने अपनी स्प्रे बॉटल में डाला। एंड देन मैंने इसको जो है अपने बालों में यूज़ करना था, तो मैंने नमाज़ वगैरह इशा की पढ़ी। उसके बाद सबसे पहला काम मैंने ये किया, क्योंकि अब आगे जो है ईद आ रही है, तो आई थॉट कि मैं अपने बालों की जो है थोड़ा ख्याल रखती हूँ। अच्छा, और जो लोग मुझसे हेयर केयर का पूछते हैं, तो यार मैं सच बता रही हूँ, ये वाला जो स्प्रे है ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा अपने बालों पर यूज़ किया और इससे मेरी हेयर ग्रोथ बहुत 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 बेहतर हो गया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक टाइम था जब कोरोना आया था, तो मुझे भी कोरोना हो गया था, और कोरोना होने के बाद जो है मेरा जो हेयर लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। मतलब मैं तकरीबन आगे से ना गंजी हो गई थी। अच्छा, आई एम सॉरी टू कट, लेकिन यहाँ पे मैं बस अपनी सहरी बना रही हूँ, और सहरी में मैंने शामी कबाब का सैंडविच बनाया था। अच्छा जी, तो कोरोना के टाइम पर जो है ना मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हुआ उसके बाद, कोरोना के बाद, और मेरे आगे से मैं लिटरली गंजी हो गई थी। और मैंने उसके बाद जो चीज़ें की थी उसमें मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड किया, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो मिनोक्सिडाइल की स्प्रेज आती है मैंने वो यूज़ की थी, उससे मेरे बाल की हेयर ग्रोथ हुई थी। और उसके साथ साथ जो है मैंने काफ़ी टोटके किए थे, बट ये वाली जो हेयर स्प्रे है ये मैंने जब ट्राई की तो इससे मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिले थे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये ट्राई करें, लेकिन ये हर किसी को सूट नहीं करता, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे ना पास ड्रेस पड़ा हुआ था, और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किया था, और जनाब मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कोई ड्रेस ऑर्डर किया था। तो आज मैं अपनी अलमारी की थोड़ी सी सफाई कर रही थी, तो मुझे ये नज़र आया और मैंने इसको आज लिटरली अनपैक किया, क्योंकि मैं अब क्या करती हूँ, मेरे पार्सल्स आते हैं ना कोई भी, तो मैं अपनी अलमारी के एक सेक्शन में बस रखती रहती हूँ, तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि मैंने इसको खोला ही नहीं है और देखा भी नहीं था। तो आज जो है मैंने इसको खोला, तो मैंने कहा चलो शुक्र है। वैसे भी मुझे टेलर के पास जाना है अपना ईद का ड्रेस देने, तो मैं फिर इसको भी श्रिंक करके टेलर को दिलाऊंगी। अच्छा जी, सो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को जो रेसिपी दे रही हूँ वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत मज़े की एक स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ हुआ था टिकटॉक पे, तो मैंने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। अब स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश करने का तरीका बहुत ही आसान है। हम आप लोग अगर नॉर्मल पानी से स्ट्रॉबेरीज़ वॉश करते हैं तो उस तरीके से वो ज़्यादा क्लीन नहीं होती हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जो है सिरका ऐड करना है, विनेगर, और थोड़ा सा जो है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा आप इसमें ऐड कर दें, और थोड़ी देर इसको भिगो के रखें। और आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे कि इसकी बहुत ज़्यादा जो गंदगी या जो भी इसके अंदर गंक होता है ना, वो सारा बाहर आ जाता है और अच्छे से ये साफ़ हो जाती है। फिर इस तरीके से मैंने दो सेक्शंस में इनको डिवाइड किया, क्योंकि थोड़ी सी मुझे ऊपर से डेकोरेशन के लिए चाहिए थी, और कुछ जो है हम लोगों ने यूज़ करनी थी ऑब्वियसली जो क्रीम में हम ऐड करेंगे। अब इसकी रेसिपी बड़ी आसान है, आपने ले लेनी है स्ट्रॉबेरीज़, क्योंकि अभी जो है बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों के घर में इफ्तार पार्टी वगैरह है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून शुगर, साथ में मैंने 2 टेबलस्पून या 1.5 तकरीबन मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। और आप चेक तो नहीं खैर कर सकते रोज़े में, आई एम सो सॉरी। अच्छा खैर, इसको आपने इस तरीके से प्योरे कर लेना है। स्ट्रॉबेरी के प्योरे में आपने क्या करना है, क्रीम ऐड करनी है। मैंने एक फुल पैकेट क्रीम का लिया है, थोड़ी सी जो प्यूरी है वो मैंने थोड़ी सी साइड पे रख ली है, जो कि हम थोड़ी सी डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, और आपने जो क्रीम यूज़ करनी है, हमेशा जब भी क्रीम को बीट करना होता है ना, तो क्रीम हमेशा चिल्ड होनी चाहिए। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप जो भी क्रीम यूज़ करें उसको आप चिल्ड करें। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी क्रीम बहुत जल्दी फॉर्मी हो जाती है, अच्छे से बीट हो जाती है, दूसरा ये है कि आप अगर गर्म क्रीम करेंगे ना तो वो व्हिप्ड होगी नहीं अच्छे से। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने करना ही करना है, आपने अपनी क्रीम को अच्छे से चिल करना है।
ये नहीं करना कि फ्रीज ही कर दें, आप तकरीबन एक घंटा पहले फ्रीज़र में उसको रख दें ताकि वो अच्छी चिल्ड हो जाए। तो मैंने भी यही किया था। अब इस तरीके से आपने बीट करना है कि जब आपकी क्रीम डबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है बेक पाउडर का ये केक लिया है, दिस इज़ नॉट अ फ्रूट केक, ये जो प्लेन केक आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्रूट केक पसंद करते हैं तो इनका फ्रूट केक भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली लाइक प्लेन केक, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट होगा ना एंड वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह का, अभी नहीं बताऊँगी। अच्छा, और दूसरी बात यह कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से केक्स को दूध में डिप कर लिया। दूध का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, मैंने कोई गर्म दूध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क था। उसमें मैंने अपने केक्स को डिप किया, उनकी एक लेयर लगाई। केक की लेयर लगाने के बाद आपने क्रीम की लेयर लगानी है, उसके बाद अगेन वही सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप तीन लेयर्स लगाना चाहें, चार लेयर लगाना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। मुझे दो वाला पसंद है तो मैंने सिर्फ दो लेयर्स वाला बनाया था। ऑल्सो गाइज, मैं अभी बता रही हूँ कि यार यू नीड टू ट्राई दिस रेसिपी। ऑल्सो अगर आपको थ्री मिल केक्स पसंद है ना तो ये रेसिपी आपके लिए हिट होने वाली है, क्योंकि मेरे घर में ये सबको पसंद आई थी। मतलब मेरे अम्मा अब्बा को शुगर है बट स्टिल उन दोनों ने इसको इतना इन्जॉय किया है कि मेरी अम्मा, मतलब मैं उनको बोल रही थी कि आप लोग हल्का हाथ रखें, क्योंकि उनको ऑब्वियसली शुगर है तो शुगर वाले पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत खा सकते हैं। बट डू ट्राई दिस आउट ऑन माय रिकमेंडेशन, और मुझे फिर आप लोगों ने ज़रूर बताना भी है कि आप लोगों को कैसा लगा। तो बस इस तरीके से मैंने ऊपर से थोड़ा सा जो साइड पर प्यूरी रखा था उसको डेकोर कर दिया हल्का फुल्का, और साथ में ये जो स्ट्रॉबेरीज मैंने साइड पर रखी थी इनको मैंने कट करके इस तरीके से इसकी हल्की फुल्की सी डेकोरेशन कर दी, एंड इट वॉज डन। इसको मैंने आधे घंटे से एक घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि हमने सोचा था कि हम इसको इफ्तारी के बाद खाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इफ्तारी में मीठा नहीं खाया जाता। ऑल्सो यहाँ पे मैं बाहर गई थी और मैं एक बेकरी पे गई थी, कुछ मुझे काम था, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नहीं समझ आया और ना मेरा मूड था बाहर से कोई भी समोसे पकौड़े खाने का। और रमज़ानों में ना मुझे समझ ही नहीं आती कि बाहर से समोसे पकौड़े खाने का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब घर पर ही सब बनाना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, मैं बस घर आई। अब आप लोगों को मैं ये एक रेसिपी दे रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ वेट लॉस करने की और अपना वेट मेंटेन करने की। तो मैं एवरी अदर डे मेरी कोशिश होती है कि मैं इफ्तारी में अपने लिए अलग मील तैयार करूँ ताकि मैं पकौड़े समोसे ना खाऊं। सो यहाँ पे मैं अपने लिए चना पुलाव बना रही थी जो कि हाई प्रोटीन चना पुलाव है। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं ना हाई प्रोटीन, तो उसका मतलब ये होता है सिंपली कि जो प्रोटीन वाला आइटम है उसकी क्वान्टिटी आपने ज़्यादा रखनी है और जो आपके कार्ब्स हैं उनकी क्वान्टिटी आपने कम रखनी है। तो अब ये चना पुलाव है, इसमें हमने चने में थोड़े से चावल डालने, ना कि हम जैसे यूजली चावलों में चने डालते हैं वो वाला नहीं है, ठीक है। अब आई डोंट नो आप लोग को समझ आई है या नहीं, और मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। खैर, इसकी रेसिपी बड़ी सिंपल सी है। इसमें मैंने जो है सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, ऑयल में मैंने गरम मसाला जिसमें तेज़पत्ता होता है, दालचीनी होती है, थोड़ी सी लौंग हो गई और साबुत लाल मिर्चें ऐड की हैं, उसको मैंने हल्का सा भुना। उसमें मैंने जो है तकरीबन 50 ग्राम जो है अनियन ऐड किया, 30 ग्राम जो है मैंने उसमें टोमेटो ऐड कर दिया, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया और दो ग्रीन चिलीज ऐड की हैं और थोड़ी सी दही ऐड की है। दही मैंने इसमें जो है ना तकरीबन आप कह लें कि 15 ग्राम ऐड की है। उसके बाद मैंने बॉयल्ड चने ऐड कर दिया और बॉयल्ड चने जो है इसमें मैंने तकरीबन ऐड किए 300 ग्राम, क्योंकि ये जो है मैं दो सर्विंग्स बना रही थी। अगर आप एक बंदे के एक सर्विंग बना रहे हैं तो आप उसको कट कर सकते हैं। मैंने दो इसलिए बना ली थी कि दो दिन मेरे आराम से निकल जाएंगे और मुझे फिर अगले दिन थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। अच्छा जी, और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और पानी को जैसे बॉयल आएगा तो हमने इसमें अपने राइस ऐड कर देने हैं, और राइस जो थे वो मैंने लिए थे तकरीबन आप कह लें कि 80 ग्राम, मतलब 40 ग्राम एक सर्विंग में जाएगा और 40 दूसरी सर्विंग में जाएगा, तो टोटल 80 ग्राम इसमें जाएगा। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों को मैं मैथ्स इसकी कैसे समझाऊं, बट खैर आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये भी बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे अम्मा जो है अपने लिए और बाकी सबके लिए इफ्तारी बना रही थी, और आप देख सकते हैं ये मेरी इफ्तारी थी और उनकी इफ्तारी में माशाल्लाह बाकी सारी चीज़ें थी। तो मैंने अपने लिए पपाया भी अलग से कट किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे पपाया बहुत पसंद है। एंड इट वॉज फाइनली टाइम जब, क्योंकि मुझे बहुत वेट हो रहा था कि यार इफ्तारी जल्दी से ख़त्म हो और मैं ये अपना मीठा इन्जॉय करूं, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैंने फाइनली इसको ट्राई किया और सब घर वालों को भी खिलाया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज अ हिट। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। चलें जी, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।